standard 7, chapter name wind, storms and cyclone. Previously we have studied about air and pressure, air expand on heating, thunderstorm and cyclone and safety measures against destruction. Okay, so previously we have studied about 8.1, 8.2, 8.3. Today we are going to start about सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन. ओके, तो सेफ्टी, अगर ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा. तो फर्स्ट है हाई स्पीड विंड एकम्पनिंग साइक्लोन कॉज सेवर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मीन्स क्या होगा कि अगर विंड का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो साइक्लोन आता है साइक्लोन से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा डैमेज हो जाएगा. नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट बी स्टॉप्ड बट वी कैन टेक सेफली मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम दिस डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट स्टॉप, मीन्स नेचुरली डिजास्टर जो है स्टॉप नहीं कर सकते, बट वी कैन टेक सेफ्टी, मीन्स हम सेफ्टी रख सकते हैं. क्या, तो साइक्लोन शेल्टर शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन साइक्लोन प्रोन एरिया. मीन्स जहाँ पे साइक्लोन हो रहे, साइक्लोन बढ़ रहे, साइक्लोन बहुत ज्यादा हो रहे, वहां पे क्या करो आप साइक्लोन शेल्टर एरिया बना दो. साइक्लोन फोरकास्टिंग शुड बी डन रेगुलरली एंड वार्मिंग शुड बी गिवन इन केस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड डिजास्टर. जनरल पब्लिक शुड नॉट डिसगार्ड एनी वार्निंग एंड शुड प्रॉम्प्टली मेक नेसेसरी अरेंजमेंट. जनरल पब्लिक जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स सिंपल बताना ये चाहता है कि जो साइक्लोन है, साइक्लोन प्रोन एरिया, मीन्स हमको पता है कि साइक्लोन यहाँ पे ज्यादा है, तो वहां पे साइक्लोन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ आप काम करो और साइक्लोन शेल्टर्स बना दो. जनरल पब्लिक शुड नॉट डिसगार्ड एनी वार्निंग एंड शुड प्रॉम्प्टली मेक अ नेसेसरी अरेंजमेंट. दे शुड अवॉइड ड्राइविंग थ्रू स्टैंडिंग वाटर एंड हैव कॉन्टेक्ट नंबर फॉर इमरजेंसी सर्विस लाइक फायर ब्रिगेड. मीन्स अगर ये ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स आग लग रही है जंगल में, तो ये सब इसको सबको रोकने के लिए इमरजेंसी सर्विस लाइक ब्रिजेस, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, हॉस्पिटल, पुलिस, इन सबका नंबर, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर रखना पड़ेगा. फिर वाटर, मीन्स अगर आग लग रही है तो वाटर भी चाहिए उसको कम करने के लिए. वी शुड कॉर्पोरेट विद द रेस्क्यू फोर्स इन केस ऑफ द इमरजेंसी एंड हेल्प द फ्रेंड एंड नेबर. मीन्स अगर कहीं पे आग लग जाती है तो क्या करेंगे हम, वहीं से भागेंगे नहीं, क्या करेंगे कि रेस्क्यू टीम जो है, रेस्क्यू टीम को जो हेल्प चाहिए, हमारे नेबर को जो हेल्प चाहिए ऐसी इमरजेंसी के केस में, तो हम उनको हेल्प करें और उनको इन सब प्रॉब्लम से हम बाहर निकालें. फर्स्ट सेफ्टी मेजर में क्या है कि क्या बनाओ, पहले तो वार्निंग दे दो, अगर एक्सपेक्टेड डिजास्टर हमको पहले से पता चलता है तो वार्निंग दे दो. फिर क्या करो कि साइक्लोन प्रोन एरिया है वहाँ पे क्या करो आप साइक्लोन शेल्टर्स बना दो. फिर जनरल पब्लिक शुड नॉट डिसग्रेड एनी वार्निंग, मीन्स जनरल पब्लिक को वार्निंग दे दो, अगर नेसेसरी अरेंजमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं. दे शुड अवॉइड ड्राइविंग एंड स्टैंडिंग वाटर, मीन्स वो क्या करेंगे, मीन्स ड्राइविंग को करना अवॉइड कर देंगे. फिर कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, किस किस के इमरजेंसी लाइक फायर ब्रिगेड है, हॉस्पिटल है, पुलिस है, उन सबके नंबर्स दे दो. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसी टॉपिक के, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. तो फर्स्ट है वी शुड लाइव डाउन स्ट्रेट ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग स्टॉर्म. स्टॉर्म आएगा तो क्या करेंगे हम, नीचे खड़े रहेंगे, किसके, स्ट्रेट फ्लोर के नीचे. साइक्लोन ट्रू है, साइक्लोन अलर्ट टू साइक्लोन वॉच इश्यू 48 आवर्स इन एडवांस एंड साइक्लोन वार्निंग इज इश्यू आवर्स 24 आवर्स इन एडवांस. साइक्लोन वॉच 48 आवर्स, तो ये क्या है, ट्रू. जनरल पब्लिक शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू द वार्निंग इश्यू रिगार्डिंग डिजास्टर, तो ये रॉन्ग हो गया. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ दिस शुड बी फॉलो ड्यूरिंग साइक्लोन, विच ऑफ दिस शुड बी फॉलो ड्यूरिंग साइक्लोन. क्या करना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक लाइन डिस्कनेक्ट कर दो. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन से फायर हो सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकती है, बड़े बड़े डैमेज इलेक्ट्रिकल लाइन से हो सकती है. आपने देखा होगा कि जंगल में आग लगती है तो जंगल में आग इसी से लगती है. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग साइक्लोन, क्या नहीं करेंगे, तो देखो एक है स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, वो तो करना चाहिए. शिफ्टिंग नेसेसरी हाउस होल्ड, वो भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इमरजेंसी जैसा कुछ होगा तो वहां से शिफ्ट हो जाओ. फिर कोऑपरेटिंग विथ रेस्क्यू फोर्स, मीन्स रेस्क्यू फोर्स है तो उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, तभी तो वो काम फास्ट करेंगे. और लास्ट में है प्लेइंग विथ इलेक्ट्रिक गैजेट, तो इलेक्ट्रिक गैजेट के साथ में अगर आप प्ले करोगे तो आपको शॉक लगेगा, आग भी लग सकती है और वो आपको डैमेज कर सकता है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड का आंसर डी हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डी.